नमस्कार और आप देख रहे हैं पंकल। फतेहाबाद की ठाकर बस्ती से पुलिस ने स्कूटी सवार युवक को काबू कर मौके से बरामद की 253 ग्राम हेरोइन। पकड़ा गया युवक कुलवंत जागड़ा फतेहाबाद के नगर पार्षद जोगेश जागड़ा का भाई बताया जा रहा है। 4 लाख के करीबन बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। हेरोइन के साथ पुलिस ने आरोपी कुलवंत से 1 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की। मामला दर्ज कर आरोपी को किया गया काबू। फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज फतेहाबाद की ठाकर बस्ती से पुलिस ने देर शाम को एक स्कूटी सवार युवक को 253 ग्राम हेरोइन और 1 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कुलवंत जांगड़ा शहर के गुरु नानकपुरा इलाके में रहने वाला है और कुलवंत जांगड़ा फतेहाबाद के नगर पार्षद राजेश जांगड़ा का भाई है। पुलिस ने आरोपी कुलवंत जांगड़ा को शहर के ठाकर बस्ती इलाके से काबू किया। कुलवंत ठाकुर बस्ती इलाके में अपनी स्कूटी पर जा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर कुलवंत को रुकवाया और उसकी तलाशी ली, जिसके बाद कुलवंत की जेब से 253 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। वहीं दूसरी जेब से 1 लाख रुपए की नकदी भी मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और बताया गया है कि उसकी नशे की सप्लाई के पेमेंट लेकर के आया था। वहीं 1 लाख रुपये जब उसकी जेब में पुलिस को मिले तो फिलहाल पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हीरोइन और 1 लाख रुपए नकदी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को स्कूटी को दोनों को कब्जे में ले लिया है। एक नगर पार्षद के भाई का नशा तस्करी में पकड़े जाने का मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। बताया गया है कि पकड़ा गया आरोपी दिल्ली से हीरोइन लेकर के आया था और एक अन्य साथी भी उसके साथ शामिल है। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। ये जी आज मैं जो है ना अपने साथी कर्मचारियों से सही तो गाड़ी सरकारी के नशीले पदार्थों के रोकथाम हेतु आंस मार्केट फतेहाबाद से होता हुआ जो जीवन अस्पताल के पास से इधर ठाकुर बस्ती में आ रहा था, तो सामने से ये आरोपी जो कुलवंत कुमार है ये स्कूटी पे जो है ना ई स्कूटी पर आता दिखाई दिया और पुलिस की गाड़ी को देख के जब ये स्कूटी वापस मुड़ने लगे और गली तंग होने के कारण इसकी स्कूटी नहीं मुड़ी, जिसको मैंने शक के आधार पर जो है ना इसको काबू कर लिया और काबू करके इसके पास मुझे किसी नशीले पदार्थ का सिक्का होने पे मैंने इसको नोटिस दिए और इसने अपने जवाब नोटिस में अपनी तलाशी किसी राजपत्रीय अधिकारी के सामने करवाने बारे जो है ना बतलाया। तो मैंने तहसीलदार साहब को जो है ना फ़ोन पे संपर्क करके श्री विजय कुमार जी से नोडल अधिकारी जो हैं उनको मौका भी बुलाया, उनके सामने जो उनके निर्देश से जो है ना मैंने इसकी तलाशी अमल में लाई। तो इसकी पेनी पेंट की जो है ना डब से एक मोमी पाउच के अंदर जो है ना हीरोइन बरामद हुई और पेंट की दाहिनी जेब से जो है ना 1 लाख रुपए की करेंसी नोट जो है ना बरामद हुए। तो कितना है, कितनी हीरोइन है इसका कंप्यूटर कांटा से जो वजन किया तो इसका जो है ना वजन 253 ग्राम हुआ जी बरामद हीरोइन। चल ले।